उसके ऊपर प्रतिबंध रहेगा, डीजे नहीं बजेगा किसी सूरत में, हर कार्ड के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन देगा, कोई भी अश्लील गाना या अश्लील नारा या भाषण नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो तलवारबाजी पे प्रतिबंध है, ये जो अग्निशस्त्र है आर्म्स है इस पर प्रतिबंध है, इसी प्रकार का आर्म्स चाहे वो लाइसेंसी हो गया, लाइसेंसी तो अपराध है ही, लाइसेंसी हथियार नहीं लाना है। कोई हुड़दंगी व्यक्ति आपके लाइसेंस में घुसकर अनावश्यक जो है आपको परेशान करे, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पुनः बात, लेकिन जो लॉजिकल बात है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आदमी आप लाइएगा वो तो उस पर बैन नहीं है, आप लाइए 50-100 आदमी एक ताजिए के साथ रहें इतना रहें, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ताजिया है, एक ताजिए के साथ 50 आदमी आ रहे हैं, आपने लिख के दे दिया है 50 आदमी, तो उसका 20% हुआ 10 आदमी, 10 आदमी आधार कार्ड के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन देगा 10। अगर 50 आदमी, आप कहते नहीं हमारा ताजिया बड़ा होगा उसमें 100 आदमी आएंगे, तो 20% होता है 20 आदमी अपना आधार कार्ड के साथ लिख के देगा कि हाँ भैया हम जो है वो एक ताजिया निकाल रहे हैं जिसमें हम 20 आदमी लाइसेंस होल्डर हैं, हम लोग जो है वो ताजिया शांतिपूर्वक निकालेंगे, आपने अपना अप्लाई कर, आपको शर्तें बता दी गई SDPO के माध्यम से, चूँकि लाइसेंस पुराना है तो SDPO के माध्यम से आपको शर्तें बताई जा रही हैं। शर्त एक नंबर ये है कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, डीजे नहीं बजेगा किसी सूरत में, ठीक है। दूसरा ये है कि लाउड स्पीकर जो भी आप लगा रहे हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, उसकी साउंड लिमिट जो भी कानून है लाउड स्पीकर है उसके अंतर्गत जो परमिशन है उस परमिशन लिमिट के उसमें रहेगी, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून है, ठीक है। बीच बीच में माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं लाउड स्पीकर है से संबंध में, तो आप वो सब जानते हैं, सब लोग आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग कानून के जानकार हैं। थर्ड चीज, कोई भी अश्लील गाना या अश्लील नारा या भाषण नहीं होगा, ये तो सभ्य समाज में नहीं होता है, अश्लीलता की कोई जगह नहीं। उसके बाद भड़काऊ चीजें जो हम लोगों ने रामनवमी में देखा कि जिनको स्वागत किया जिससे शुरुआत हुई कि भड़काऊ कोई दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना या कोई राजनीतिक टिप्पणी करना या दूसरे राज्य के किसी नेता पर टिप्पणी करना या दूसरे राज्य के किसी नेता की बड़ाई करना जैसा देखा जा रहा था, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका धार्मिक रूस है, आप धार्मिक बातें करिए, आपको जो धार्मिक गाना लगाना है वो लगाइए, बट हम लोगों को सुनवा दीजिए थाना को और आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार चलाना चलाइए, धार्मिक जो चलाना है चलाइए, लेकिन कोई भी ऐसा गाना या कोई भी ऐसा नारा जो किसी दूसरे की भावना को आहत करता हुआ जिससे संभावना हो हिंसा की वो उचित नहीं है, अनावश्यक जो है उसको उससे जो है माहौल खराब होगा तो वो उस पर प्रतिबंध रहेगा। और माइक जो है जो 20% लोग आप बता रहे हैं लाइसेंस होल्डर रहेंगे, तो उन 20% में से कोई भी एक व्यक्ति जो है माइक रखेगा, एक आप रिपीट कर दो तीन लोगों को करना चाहते हैं तो जो लाइसेंस होल्डर है वही माइक अपने हाथ में रखेगा, किसी गैर लाइसेंसी व्यक्ति को अगर आप माइक दे रहे हैं तो वो आपका फायदा उठा सकता है, वो शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा, फिर उसमें जो यूथ है हो सकता है उसमें उसके बहकावे में आ जाए और फिर वो लोग भी भड़क जाए और वो लोग भी उस तरह के नारे लगाने लगे। देखिए भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, आप जानते हैं अधिकतर भीड़ में जो उपद्रव करते हैं वो लोग चुपचाप निकल जाते हैं, हंसता वही है जो कि सभ्य होता है या फिर जो कि कंडीशन से बदा होता है, जिसने कागज जमा किया होता है वही फंसता है। इसलिए जो भी लाइसेंस होल्डर है वो अपना अपने पास ही माइक रखें, अपने पास ही माइक रखें और जो भी अनाउंसमेंट करनी है या कोई आपको बात कहनी है नारा लगाना है तो आप खुद से लगाइए, और आप समझदार होंगे क्योंकि आप लाइसेंस दे रहे हैं तो आप सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो तलवारबाजी पे प्रतिबंध है, ये जो अग्निशस्त्र है आर्म्स है इस पर प्रतिबंध है, इसी प्रकार का आर्म्स चाहे वो लाइसेंसी हो गया लाइसेंसी तो अपराध है ही, लाइसेंसी हथियार नहीं लाना है, लाठीबाजी नहीं करनी है, आप लोग खेल कूद करते हुए जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो भी वहां पर है आप जा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रदर्शन करना उचित नहीं है, उससे जो है वो अनावश्यक वहां पर स्थिति बिगड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये नालंदा पहली बार हो रहा है, नालंदा में हो रहा है तो बाकी जगहों पर नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पर इस तरह से ताजिया निकलते हैं कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर कई लोग आपस से जो आपस में बात करके सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली होता है, ये होता है।